हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी वाइटी की फैमिली, कैसी हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट पाट हूँ। शाम का वक़्त है, मैं बना रही थी दाल, माश की दाल। तो वैसे भी दो तीन दिन से वीडियो नहीं अपलोड की थी, मैं सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने मसाला जो है वो बना रही हूँ, यानी कि प्याज या फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही मैंने ये टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन वगैरह पेस्ट कर लिया है। वो ये दाल पड़ी है, ये देखिए माश की दाल है, ये बनाऊँगी। उसके बाद हबी आते हैं तो फिर उनके साथ थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है? आप सब मेरे साथ रहिएगा और मौसम भी देख लें कैसा है। आज गर्मी हो गई, कल बहुत अच्छा मौसम हो गया था ना, आज देखें कितनी गर्मी है ऊपर, वो देखें काफ़ी धूप निकली थी आज। बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं ना बाहर इस वजह में। हाँ जी, यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया, मैं अब इसमें डालती हूँ ये टमाटर का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। चले बाकी है, इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी आपसे, शेयर करूंगी, ठीक है? जब अभी आ जाएंगे उनको, जब खाना दूंगी तब। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया था प्याज फ्राई करके उसके बाद वो पेस्ट जो बनाया हुआ था वो डाला इसमें, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। उसके बाद मसाले वगैरह जो भी थे मैंने डालने वो सारे डाल दिया है, लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला हो गया, सूखा धनिया हो गया, उसका पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, सब कुछ मिक्स कर दिया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी मसाले को अच्छे तरीके से, जब तक ये पानी सारा खुशक नहीं हो जाता ना ये वाला, और इसमें ऑयल नहीं आ जाता ऊपर, तब तक इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें मसाले ने जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। अभी थोड़ा सा मैं इसको और भून लूँगी मसाले को अच्छे तरीके से, ये जो प्याज है ना खड़ा खड़ा, ये भी सारा जो है मैश हो जाए ऐसे। तो फिर इसमें मैं जो दाल है भिगो के रखी हुई है वो भी इसमें ऐड करूँगी और पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, ये देखें अभी मैंने इसमें जो दाल है वो ऐड कर ली है मसाले में, ये देखें ऑयल भी कितना इसने छोड़ दिया ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लूँगी तो अच्छे से, ताकि मसाला जो है वो सारी दाल के साथ जो है वो लग जाए अच्छे तरीके से। इसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। रात में हबी आते हैं ना तो उनके साथ मैं उनको दूंगी खाना, तब वो बताएंगे कि दाल कैसी बनी है, ठीक है? इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। और जो इसके अलावा मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे जाके प्रेस कर लें, ताकि मेरी न्यू अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तक आ सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो इससे ये होता है कि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है। तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, थैंक यू जी। तो ये देखें मैंने इसमें तकरीबन दो गिलास पानी ऐड कर दिया है, जिससे वो दाल जो है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगी, तो पानी जो है वो खुशक हो जाएगा। फिर मैं आपसे इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ओके? तब तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे ही। अच्छा जी, मैं बना के हांडी ऊपर आ चुकी हूँ और रखा ही हूँ हल्की आंच पे, वो बन रही है तो मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा ज़रा ऊपर जाती हूँ तो ऊपर से भी आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। ज़रा ये सामने मस्जिद है, आपको पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ मैं, वो सामने घर बन रहा है वो भी दिखा चुकी हूँ, और दरख्त भी कितना प्यारा लग रहा है वीडियो में। वो सामने जो है वो बिल्कुल रोड है, ग्राउंड है, और यहाँ पर भी मैंने चार पाइयाँ जो है बिछा ली हैं।
ये देखिए यहाँ पर रात का डिनर जो लग चुका है, अभी भी आ चुके हैं, फ्रेश हो गए हम, खाना खाने लगे हैं, तो उनसे मैं मिलवाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो जैसा कि हमने जो लास्ट व्लॉग है अपलोड किया था, पहला व्लॉग था हमारा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। तो ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा और हम लोग व्लॉग बनाते रहेंगे। सब ने कहा था कि आप व्लॉग बनाया करें, तो व्लॉग ज़्यादा लोग देखते हैं, तो आप भी व्लॉग भी आया करें, तो आप सबके कहने पर आए हैं। जी जी बिल्कुल, तो आपका तो भी शुक्रिया। रेगुलर भी लोग बनाया करेंगे फ्राइडे को, वैसे तो टाइम नहीं होता अभी काम से, हम तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बज गए ना जी, तो 9-10 बज जाते हैं इजीली, तो इसलिए लेट। तो अभी मैं खाना वगैरह गर्म करके लेके आया हूँ, साथ मैंने टमाटर काट लिए थे, प्याज रात का टाइम था, तो मैंने कहा टमाटर नहीं खाना, साथ अचार पानी और रोटी। चले आप टेस्ट करके बताएं दाल कैसी बनी है। मैं टेस्ट करता हूँ जी, रात का खाना हम इकट्ठे खाते हैं जी, माशाल्लाह 3 साल हो गए शादी को, तो हमारी कोशिश होती है जो रात का खाना है वो हम लोग इकट्ठे खाएँ। तो यहाँ पे जी माश की दाल वैसे मेरी फेवरेट है जी, हम दोनों की फेवरेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मजे की बनी है। कैसी बनी? नमक थोड़ा सा कम है, नमक कम है, बाकी सब कुछ। नमक ले गया वीडियो के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा से। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी, मैंने खाना खाना है और थोड़ा सा काम भी करना है, तो इसके बाद हमने सोना है, तो सुबह भी जल्दी जाना होता है काम पे। तब आप बोलोगे कुछ बोलना। चलो व्यूअर्स, अब हम खाना खाते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।